तगड़ा कीड़ा था उसमें। ओए इतने में मेरी नजर चली गई उस विंडो में। हाय एवरीवन, मम्मी डैडी हमें रोज उल्लू क्यों बना रहे हैं? आज फिर उल्लू बनाती हूँ। कल भी रेडी करवाया, आज भी रेडी करवाया, अभी तक तो आए नहीं। हम शॉपिंग कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगा हमको 2:30 बज रहे हैं। कब जाओगे, कब आओगे? हम खुद निकलते हैं। कल भी हमें उल्लू बनाया, आज भी, पर वो बिजी है, वो उल्लू नहीं बनाते हैं, वो अपना काम करते हैं। हम उल्लू ही हैं। जब भी बना हम उल्ली हैं, नॉट उल्लू, हम फीमेल वर्जन है। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या? आली आली कितना तगड़ा, कहाँ गया वो कीड़ा? कितना तगड़ा कीड़ा था उसमें। डैडी कहाँ से ला रहे इतना? वे हमारे घर में आज भरमार है हरे साग की, मूली की, कहाँ से ला रहे हैं इतना? आज गए थे अपने एरिया में। अरे पर इतना कौन खाएगा? सब खा लेंगे, पेट भरे हो जाएगा, सब बट जाएगा। तो बट जाओगा है? क्यों बट जाओगा? तो इतना अकेला कौन खा सकता है? अभी और भी ला रहे हैं, देख लो। बेटे की उसमें क्या है? प्याज, आलू, आंवले। ओहो मां गए होंगे आज अपने आंवले के बाग में। गए थे भैया आज अपने आंवले के बाग में गए थे, तोड़ के लाए हैं। हमें खुला पड़ा है, फटा पड़ा है, फ्रेश आंवले। क्योंकि हम ऑर्डर्स लेते हैं, किसी को खरीदने किसी को खरीदने बता देना भाई। आसपास कौन खाओगे इतने को? क्या करेगा कोई? दूसरे कितने बिगड़ हो जाओगे, खराब हो जाएंगे जल्दी। नहीं तो अभी और कुछ भी है, बोरी बोरी बोर अच्छी लगा भाई। अपने मेहनती बात है पापा। हमारे घर में सिर्फ एक इंसान है जो मेहनती है, वो है डैडी। सही, उन्हीं के पीछे हमारी गाड़ी चल रही है मम्मी। सही बताऊं हम तो मेरे जैसे के पीछे लगा दिए चलो। मैं तो एक काम कर सकूं, मुझे काटने मजा आवे बैठे बैठे। कितना हिसाब कटोर में रहता है, थक जाएंगे। पर इसमें वो कहाँ है पालक और मेथी? वो नहीं है अपने, ये ला रहे हैं होगी ना। किसी को फ्रेश मूली, सरसों के पत्ते, आंवला ये चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज करें। फ्री है मम्मी सब कुछ, या हम चार्जेस लेंगे? ना भी हम तो बेचेंगे, फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। सब कुछ वही करवा दो उनते ही, हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कुछ और भी ला रहे हैं ना, और कुछ ना ला रहे। अच्छा फ्रेश नींबू भी आए हैं, ये तो कम है मम्मी। हम फिर हम बेचेंगे कैसे? अच्छा बेचने के काम के ना, ये देख घर में यूज करने के लिए। यार सब कुछ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आ रहा है, ये सब उगा रखा है क्या वहाँ? और वो क्या कर रहा है? उसको देखते हैं। हमारे भैया जी क्या कर रहे हैं? ओए इधर देख, ये रजाई उल्टी है, इसको सीधी ओढ़ है। हम इसको ये भी नहीं पता कि इसकी रजाई सीधी है उल्टी है, क्या कर रहे जो है वो ही है, जो ही है। कॉफी दुकान खुल गई, चलो कमलिया। दारू की ठेके पे मम्मी ने आके को बहुत सारी दुकान खुल गई, दारू की ठेके है ये ना सारी। हाँ चलो, चलो तो। पहले वहाँ देखते हूँ मार्केट बंद। हाँ उसके बाद यहाँ हम आ गए तिब्बत मार्केट। हमें सिर्फ दो चीजें लेनी है, सॉक्स और माँ के पजामे। देखते हैं और कुछ है। तो मैं कितने सालों बाद मैं तिब्बत मार्केट की उसमें आई हूँ। लेट्स सी, सेट भी मिल जाएगा इसमें, तो हैवी वाले में। साइज तो सबसे बड़ा ही ले लो, साइज बड़ा है जी, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज। मम्मी आप पिंकी बनोगे? कलर दिखाना बता ना, कौन कौन से अच्छे।
आई थिंक ये स्काई ब्लू ना ये ब्लू वाला जो नीचे बीच में मैं चेक वाले ही लूंगी फिर मैं समझी मैं फिर गलत जा रही हूँ। हाँ, पता नहीं कौन सी फ्लोर मिलेगी, कहाँ पे मूवी हॉल मिलेगी लिफ्ट दबा के। फिल्म भी देखी जावे। हाँ, अगली बार आएंगे देखने। दृश्यम देखना होगा। दृश्यम अगर यहाँ हुई तो देखने आएंगे। हाँ, अगर कुछ मिला तिब्बत में? लिया ही सारा सामान। सारा लिया है। लिया ही जुराब लिया ही। अब हम खाएंगे तिब्बत मार्केट, फिर आर डी मॉल घूम फिर के हम लोग कितने बजे पहुंचे? 7 बजे घर पहुंचे। उसके बाद हम लोग तब से रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करते करते हो गए 10 बज गए। मम्मी तो अब गुड़ और दूध पी रही है। तूने लिया? मैं तो रोटी खा ली। गरम गरम दूध मैं भी लिया करना रात में। नहीं, दूध मैंने उसके साथ ही ले लिया। और घी डाल ले कर 1 चम्मच। सो मम्मी की एडवाइस है, दूध में घी भी डाल 1 चम्मच। उससे क्या होता है, मोटे हो जाते हैं मम्मा। मोटे तंदुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहते हैं। तो मम्मी का बस चले ना मेरे को घी में डुबो दे, उनकी पूरी पूरी कोशिश है सुबह शाम तक कि मेरे को घी में डुबो जाए, घी में डुबो जाए। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी? उनके कहने का मतलब कब्ज नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, बुढ़ी बताती है ये। और शाम को बहुत ठंड, आते आते हवा चल गई थी तगड़ी। मम्मी कह रही हूँ मम्मी अपने दूध में बिजी है। और आज मम्मी साथ बहुत बुरी बनी, मैं नाम नहीं लूंगी उस जगह का। हम लोग हम आर डी मॉल सिर्फ इसलिए गए थे कि कुछ खा लें। मम्मी को जो ऑर्डर करना था ऑर्डर कर दिया। अब ओपन किचन होती है वहाँ पे, तो मम्मी ने कुछ ऐसा देखा, मैं तो वॉशरूम चली गई हैंड वॉश करने, मम्मी ने ऐसा कुछ देखा कि मम्मी मैं वापस आई। मैंने क्यों कह रही, जीजी मैं तो ना खाऊं। मैं सोची पता नहीं क्या हो गया कहीं, मतलब फिर उन्होंने एक रीजन बताया मेरे। मतलब शुक्र है मैंने विंडो में तो दिख गई वो चीज। हाँ, मतलब जो भी कर रहा था, जो वो चीज थी मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी, वो मम्मी ने देख ली और कह रही नहीं मैं नहीं खाऊंगी यहाँ का। मैंने चलो फटाफट पैसे लिए, मैं कहती बिल ना काट दे, मगर मेरे पैसे देंगे। अच्छा, रिफंड कर लिया? जैसे मैंने उसके पैसे दिए तो वो काउंट वो करने लगा कंप्यूटर में कुछ, इतने में मेरी नजर चली गई उस विंडो में। और मेरा देखती दिमाग घूमगा, मगर इन्हें खाऊंगी क्या मैं? मैं और पैसे दे वापिस 500 दिए थे ना उसने। तो कह रहा जी ऐसा तो समय होता है, समय होता है। और भाई मन ना हसन लगा। अच्छा, हाँ मुस्कुराया वो। तो बेचारी मम्मी का दिल टूट गया, बहुत खुश होके गई थी। पिछली बार भी हमने वो शॉप देखी थी, तो हमने प्लान बनाया था कि हम अगली बार अगर उस एरिया में जाते तो खा के आएंगे। मतलब मम्मी को फेस देखने लायक था जैसे मैं वॉशरूम से आई, क्या हुआ नुकिन मैं ना खाऊं। मेरा तो जी खराब होगा। फिर शुक्र है मैंने ऑनलाइन ना खाए कभी, ना तो आज तो मैं शायद सोई ना सकूं थी। तो फिर मम्मी को थोड़ा ठीक करने के लिए, मूड ठीक करने के लिए हम छोले भटूरे खा के आए, वो तो अच्छे थे। सच्ची बताऊं मैं तेरी मारी में खा तो लिए मैंने वे, पर मेरे दिमाग में वो इस चीज वो हो रही थी, तो मेरा ऐसा जी कर रहा था मैं उल्टी कर दूं। आप मतलब अब बाहर का खाना जी ना रहा, सच बताऊं मतलब कई चीजें हमने ऐसी देख रखी हैं। कोई नू ना, अब कोई लोकल हाँ, थी, नाम भी वो लोकल नहीं था, एक अच्छा ब्रांड नेम है, बहुत सारी उनकी ब्रांचेस हैं, बट जो हमने देखा, जो इन्होंने देखा, तो भगवान का शुक्र है। मम्मी आज के बाद नहीं खाएगी बाहर। मैं नहीं खाऊंगी भाई, जल्दी से अपने घर में बनाओ और खाओ। बता रही हूँ भाई, अपने घर में बनाओ और खाओ। सही बात है, चाहे जैसा मर्जी बनाओ, जो तुम्हारी मम्मी बनावे ना उससे अच्छा तो कोई बना ही ना सके बिल्कुल भी, उतनी सफाई थे। तो चाहे वो थोड़ा नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए, की डाले कोरा मसाला डाले पेट खराब करे, पर बनाने के आड़ उसकी मारी भाग लिया खाने के लिए। ये बात तो है। तो जितना हो सके हमने तो आज सोच लिया जो खाएंगे अपने घर का ही बना हुआ खाएंगे। वो सची तुम तेरे आने के बाद तो मन फिर भी 2-4 चीज खा ली, छोले भटूरे में खा लूँ फिर भी खा लूँ, पर शायद अब जी भी ना करे। आहार छोले भटूरे में कुछ देखा भी ना था ना, तो तू मैं दही भल्ले टिक्की भल्ले मैं सब कुछ घर का बनाऊँ। हमने भी सिर्फ 2 दिन ही खाया बाहर का स्टार्टिंग जब मैं आई। अरे घी दूध दही खाओ ना, के रखा है छोलों में भटूरों में।
और डैडी जो वो आंवला लाए थे ना इतने सारे, वो बांटने पे लग रहे हैं सबको। भाई किसी को चाहिए तो बता देना ऑर्गेनिक आंवले, डायरेक्ट कमेंट ही कर देना तो हम घर भेज देंगे। अब जैसे 25वीं सालगिरह थी, मतलब हर बार जो सालगिरह आवे, एनिवर्सरी आवे, बर्थडे आवे, तो कहाँ फोन करके आज तो पार्टी होगी बाहर, मैं क्यों गएगी बाहर? एक सेकेंड, मम्मी मेरी एनिवर्सरी आ रही है। हाँ तो बाहर का कुछ ना खाना घर में बना दूँ जो कभी। अब तो मम्मी ने कह दिया है आज आज गई थी तू घूम, मतलब जो भी सामान लेने गई थी, आज के बाद अपने घर बैठ आराम से चलते रेस्ट कर। हाँ कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी, रेस्ट करो, रेस्ट करो, सामान उठा दिया मैं सारा, ये घर बाहर का खाना नहीं डोलना मैं और घुमक्कड़ बना दी मैंने घुमक्कड़ बनाया एक घुमक्कड़ को, पर ये बात है मम्मी ना सिर्फ मेरे आने के बाद घूमती हैं। अरे कहीं ना जाऊँ मार्केट वार्केट, तो मेरे को बदनाम कर रहे हो डायरेक्टली, मेरे को बदनाम कर रही है। अन्ना मैं बाहर का खाऊँ बिल्कुल भी, सच नहीं कभी देखी मैं तुम्हें कहीं जन्मदिन पे ऐसा कभी अभी इसने डाल के देखा? मैंने सिर्फ 2-3 दिन स्टार्टिंग में आके खाया था, उसके बाद अब मेरा मन नहीं करता। भाई मैं तो एक चीज़ सोचूँ कॉमन, हम घर में 4-5 बंदों का खाना बनावे, उसमें भी किचन थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें क्योंकि हमारे घर का खाना है, हम उनके के लग रहे हैं। सही बात है, कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, कोई घर का मेंबर लग रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं साफ सफाई का। एक दिन मैं गुड़गांव गई छोले भट, में नाम ना ले छोले भटूरे थे, तो मुझे ना ऐसे नु झाक के देख लिया जहाँ बड़ा लग रहा है। मैं भी थी आपके साथ। हाँ तू भी तो थी, जो वाइपर थे जो खींच रहे थे। अच्छा ठीक है मम्मा, ओए माँ ओके भाई हम करते हैं रेस्ट, ठीक है, एंड गुड नाइट एवरीवन। एंड मम्मा और कुछ बोलना है? गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, दूध पियो, शुद्ध दूध पियो गाय का। ये बोलना है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छा तो बोल ले सो भी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और गुड़ खाओ, अपने दूध पियो, मस्त रहो, बाय।